बहुत से ऐसे मैसेजेस कमेंट सेक्शन में मेरे पास आते हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करता है, वाइफ्स प्लेजर नहीं चाहती हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं होती, जबकि सेंसस के अनुसार होता इससे बिल्कुल उल्टा है। मेल्स बहुत बार थकावट में रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, काम को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, तो वो अपने पार्टनर के प्लेजर के बारे में भूल ही जाते हैं। बहुत बार वो करना चाहते हैं लेकिन उनकी बॉडी या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है जो इसे सपोर्ट नहीं करती है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में बात करूंगी कि पुरुष क्यों थक जाता है, क्यों वो करना चाहते हुए भी नहीं कर पाता है, ऐसे कौन से कारण हैं जो औरतों को समझने की जरूरत है, और अगर आप ऐसे लिथार्जिक या टायर्डनेस से गुजर रहे हैं तो कैसे इसे बेटर कर सकते हैं, क्या क्या कारण है, क्या क्या टिप्स हैं, सबके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस तरह की किसी भी तरह की थकावट से आप गुजर रहे हैं तो उसे दूर कर कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है तो वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए, मैं बात कर रही थी थकावट के बारे में। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मेरी वाइफ सपोर्ट नहीं करती, बट एक्चुअली क्या होता है कि आप खुद ही इतने थके पड़े हैं कि जिस दिन आपका वाइफ का मन कर रहा है उस दिन आपने नहीं किया, और जब आप थोड़ा सा फील कर रहे हैं तो वाइफ का मूड ऑफ हो चुका होता है कि आप उन्हें तो कभी समझते नहीं है। इस तरह की अनबन लोग बोलते नहीं है बट एग्जैक्टली फील करी जाती है रिश्ते में। और मेल्स की थकावट के पीछे सबसे बड़ा कारण जो उन्हें नजर आता है कि मेरा काम का बोझ बहुत ज्यादा है, या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा लेता हूँ, या आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, या स्ट्रेस से ग्रसित हूँ, जबकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़े कारण की मैं यहाँ बात करूँ वो है आपकी मेडिकल कंडीशंस। अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर रहता है, किसी तरह की क्रॉनिक इलनेस से आप गुजर रहे हैं, मतलब जिसकी दवाई काफी समय से चल रही है, ये मेडिकेशंस आपकी थकावट को बढ़ा देती है। चाहे वो शुगर की दवाई चल रही हो, चाहे वो बीपी की दवाई है, वो आपकी बॉडी की एनर्जी को बहुत बार ले लेती है और एक्चुअली जब परफॉर्म करने का टाइम आता है तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है। आप डिफरेंट पोजीशंस नहीं लेना चाहते हो, आप डिफरेंट तरीके से ट्राई नहीं करना चाहते हो, बस आप एक फॉर्मेलिटी की तरह उसे करते हो। तो अगर आपकी ऐसी कोई मेडिकेशन चल रही है या आप किसी मेडिकल कंडीशन से ग्रसित हैं तो आप एक सेक्स काउंसलर से या एक सेक्सोलॉजिस्ट से जरूर मिलें, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका लिंक बहुत ज्यादा तेज है आपकी परफॉर्मेंस और आपकी एनर्जी से। सेकेंड, अगर मैं बात करूं कि मुझे क्यों थकावट रहती है, वो है आपके इमोशनल कारण। मैं जरूर समझ सकती हूँ कि आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है फैमिली की, तो इमोशनल कारण में क्या आता है कि भाई किसी ने उसे अच्छे से बात नहीं की, कोई उसे गुस्सा कर रहा है, वाइफ ने आती उन्हें बोला आप कुछ नहीं करते हो, बच्चे नाराज चल रहे हैं, या फिर वो खुद अपनी पर्सनल लाइफ में अपने वर्क पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसे हताश करता है। हमें लगता है कि मेल्स के तो दिमाग में हर सेकंड में ये चल रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर उनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ सेक्स काउंसलर, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम भी आती है प्री मेच्योर से जुड़ी हुई या फिर नॉन परफॉर्मेंस या इरेक्शन या तनाव से जुड़ी, सबसे पहले मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको किसी भी तरीके का तनाव तो नहीं है, किसी तरीके का स्ट्रेस हो, काम को, बिजनेस को, पैसे को, परिवार को, अपनी वाइफ या अपनी मामा के बीच के किसी इश्यूज को लेकर, बच्चे को लेकर, तो उसे बोलिए। मेल्स की प्रॉब्लम क्या है, वो अपने अंदर रखते हैं, वो बोलते नहीं और फिर वो भारी होने लगते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, शायद हाइपरटेंशन हो जाता है या सर दर्द होने लगता है, तो वीकनेस ट्रेस होती है। थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका लाइफस्टाइल। मैं फिजिकल की यहाँ बात करूँ तो हो सकता है वो एक ही चेयर पर सारा दिन बैठे रहते हो, बहुत ज्यादा चलना फिरना नहीं है, वॉक अच्छे से नहीं करते हैं, और डाइट। अब बहुत से ऐसे मेल्स हैं जो कि शायद ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर एक जगह रुकते नहीं है, फील्ड वर्क ज्यादा है, मिलिट्री में है, एयरफोर्स में है, जहाँ पे एक्चुअली उनको रेस्ट और अच्छा डाइट बहुत ज्यादा बार प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। ऐसे में उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आती है वाइटामिन डी की, वाइटामिन B6 की, B12 की, जो कि एक्चुअली उन्हें पता नहीं चल रही होती। उन्हें लगता है हम तो ठीक से चावल खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जबकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
जो कि आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी डाइट में कम है, और धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, आपकी लिबिडो कम होने लगती है, आपका करने का मन नहीं करता, बाल ज्यादा सफेद होने लगते हैं और आपको लगता है अब तो मैं अच्छा ही नहीं लग रहा, इसे खत्म करना है। ऐसे में आपकी बॉडी में जो विटामिंस की कमी है उसे रिप्लेनिश करना आपकी जिम्मेदारी है और इसे आपको करना है। ऐसे में किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको करेक्ट करनी है। और एज अ वाइफ अगर आप इसे सुन रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड के विटामिन की कमी को जरूर 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 पूरा करें। स्ट्रेस्ड है तो भी ये आपको हेल्प करने वाला है। ऐसे बहुत से और प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में मिलेंगे बट न्यूमर्क्स इज द बेस्ट वन क्योंकि बहुत ही सही मात्रा में और सही कंसिस्टेंसी में सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जिसे आप ऐड कर सकते हैं। फोर्थ इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब बहुत बार ऐसे मेल लोग हैं जो ये कहेंगे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मसल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज जो आपकी कार्डियोवास्कुलर मसल्स को हिलाए, मतलब आपकी हार्ट बीट तेज हो, ब्रिस्क वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कहीं भी अपना स्टेमिना और अपने लिबिडो को बढ़ाना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब ऐड करूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी खुशी। बहुत बार आप अपने पार्टनर को बता ही नहीं पाते कि मुझे इस तरीके से, इस फैंटेसी में इस तरीके से करना पसंद है, और क्या होता है कि वो आपके लिए सेक्स एक फॉर्मेलिटी बन जाता है और लेबोरियस हो जाता है। अगर आपको लगता है कि भी मेरा पार्टनर मेरी इच्छा या मैं जैसा करना चाहता हूँ उसे नहीं समझ रहा है, तो आपको उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कई वीकनेस है उसके लिए विटामिंस को अपनी बॉडी में जरूर ऐड करें, न्यू हर्ब्स टू विटामिन को ऐड करें, साथ साथ एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने स्ट्रेस का कारण जानें। अगर आप लंबे समय से कोई दवाई ले रहे हैं, चाहे वो आपके मेंटल इलनेस की है चाहे फिजिकल इलनेस की है, उस डॉक्टर से जरूर बात करें और साउट आउट करें कि क्या इस वजह से ही आपको कमजोरी महसूस तो नहीं हो रही है, और देखें कैसे आपकी लाइफ में स्पार्क वापस आता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, और इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं डॉक्टर नीमा ऑफिशियल, और अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए।